ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के पीछे भाजपा ही है। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलने देने के लिए भाजपा पर्दे के पीछे से चाले चलती रही, ऐसा पटोले द्वारा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा गया। पटोले ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार 50% ओबीसी समाज को आरक्षण देने का निर्णय महाविकास अघाड़ी सरकार ने लिया था, इसके लिए अध्यादेश भी जारी किया था, राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। उसके बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव घोषित हुए, लेकिन आरक्षण को पुनः चुनौती दी गई। आरक्षण के विरोध में बहस करने के लिए भाजपा ने बड़े वकील नियुक्त किए। उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी समाज को आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया। यह निर्णय किस आधार पर दिया गया, यह पड़ताल का विषय है। बाइट, ओबीसी आरक्षण के विरोध में उच्चतम न्यायालय में कौन गया और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस बारे में खुलासा करने की आवश्यकता पर पटोले ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा 2017 से ओबीसी समाज के राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, उस प्रयास में वह अब सफल हुई है। महाविकास अघाड़ी ने सत्ता में आते ही आरक्षण को बचाने का पूरा प्रयास किया। केंद्र की भाजपा सरकार ने एम्पिरिकल डेटा देने से इनकार कर दिया। जातीय जनगणना करने से केंद्र सरकार ने इनकार किया। भाजपा एक ओर तो आरक्षण का छिपा विरोध करती है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी के लिए आंदोलन का दिखावा करती है। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने 50% के जो अंदर में जो आरक्षण के अधिकार राज्य सरकार को है, उसी तरह का अध्यादेश बनाकर राज्य सरकार ने ओबीसी समाज के आरक्षण को सही सलामत रखने की कोशिश की थी। उसका राज्य कैबिनेट में डिसीजन हुआ, उसका अध्यादेश निकला और माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ उसको सम्मति के लिए भेजा। माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको सम्मति दी, उसको चैलेंज बीजेपी पीछे से कुछ लोगों को आगे कर बड़े बड़े वकील लगाकर यह अध्यादेश कैसा रद्द हो उसके ऊपर की कोशिश की गई। जब राज्य सरकार को 50% के कम आरक्षण के अधिकार होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को कैसे रद्द किया, कैसा स्टे दिया, इसको भी जांचने की गरज है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो किसके लोग थे? आज जो बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए थे और जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनकी माली हालत क्या है, इसका भी विश्लेषण देखना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील थे उसका उपयोग बार बार बीजेपी जो करती है वही वकील उनके साथ थे, इसका मतलब बीजेपी पीछे से ओबीसी समाज का राज्य के आरक्षण कम करने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।